दिया। अच्छा बाबूजी, हम गायक उमेश यादव उजाला फिल्म्स की देख रेख में, उमेश गाजीपुरिया के देख रेख में आज हम एक ठे बिरहा वीर अब्दुल हमीद को बोले रहे। ओ बिरहा में बहुत आप लोग को दुलार प्यार भाव स्नेह मिलल, फिर आप लोग को दुलार प्यार भाव स्नेह पाके फिर एक ठे हम कांड के रूप में एक ठे बिरहा गावे जातनी। हम जानत तनी आप सबे पसंद कैले हैं, अब फिर पसंद करम। कवि जी चार लाइन भूमिका का भाव लिखलन, चाद बिन रजनी अनहार लाग दुनिया में, सूर्य बिना शोभा न पावे बिहनवा, नीर बिन सरता अधीन होली धरती पे, कंध बिना गमगीन होला मयनवा, पानी बिना मोती बिके कौड़ी के भाव में, और क्रांति बिना व्यर्थ होला मयनवा, अरे कृति बिना मानो गरिमा न मिलती, भाई बिन भाई कतल पे पर दवा, आए बाबू बहुश एक से हम ए ढंग को बिरहा गावे जातनी। आज समाज में का होत बा कैसन होखे के चाहे, एकदम जे भी अगर हमारे बिरहा के सुन ले ओकरे दिल दिमाग में ए बाबू दावा तो नहीं खे, घमंड नहीं खे, लेकिन आंख से आंसू आवे चाहे ना आवे, आदमी का कलेजा तो पघिल ही जाएगा। एक लाइन यहाँ गजल का अंजाद लगल लाल, कैसे लगल? तमाम तमाम चीज गाय के नेट पर छोड़ देता हूं, लेकिन एक ठे नायिका, एक ठे नायिका से बतावत हो, अपने दिल का कहर बतावत हो, का बतावत हो मास्टर साहब? यह कहलत कि दीवाना मैं हूं तेरा, दीवाना मैं हूं तेरा, मैं तुझे बता दूंगा दीवाना, एके छोड़ जाएगा। लेकिन कितना बढ़िया बात अपने कलम से
कवि जी भाव में लिखलन कहल गेल काला कि मेरे मालिक बता दे, मेरे मालिक बता किस पर कोई विश्वास करे, मेरे मालिक पता किस पर कोई विश्वास करे, विश्वास करे, जिसे समझा था अपना वही आज घात करे, मेरे मालिक बता किस पे कोई विश्वास करे, जिसे समझा था अपना वही आज घात करे। अरे बाबू हमें से हमारे विरह का स्टोरी शुरुआत हो गई, कहल गेल कैसे यह कहल गई, जिला उज्जैन की घटना नसीहत लाई है, मनौता हंस रही दनौता भी शरमाई है, सामू यादव के बस दो ही थे औलाद रहे, बड़ा था सिंभू छोटा सोहन दिल अरमान रहे, विश्व का गुरु हिंदुस्तान कहा जाता है, यहाँ के मानव को भगवान कहा जाता है, अरे पिता की मौत सुनी शंभू को हरदास हुआ, बाबू बिरहा गौलन का मोल ला होला, बिरहा का मोल कहानी होले, गरीबी का चीज होले, ए बाबू जे गरीबी में पलेला, गरीबी खे के अमीरी की तरफ अगर जाला, ओके एहसास होला कि गरीबी अमीरी में का अंतर बा। ए बाबू हमार बिरहा उज्जैन जिला के रहे वाला श्यामू यादव, दुई बेटा मालिक देले हुन, बड़का बेटा का नाम शंभो और छोटका का नाम सोहन। ए बाबू गरीबी में दिन गत्ते गत्ते बीतता था, आज जब धीरे धीरे बीते लगल, ए बाबू यही बीच में रामनवमी का त्योहार आई, मतारी जाके गुमती बतावे लगल कि ए सैया कल रामनवमी का त्योहार हो, सबके घरे नीक नुहर बनी, मालिक दुई औलाद देले हुन, दोनों टुकुर टुकुर मुंह न तकिहन। ए बाबू सामू यादव बतावे लगलन कि अरे तू पागल हो, आंख में आंसू लेके काहे निराश हो, कल सुबह के बेला में हम जाई बाजार, अजार के सारा दिन मजदूरी कर, शाम के बेला लेके आई तू अपनी लेकन के बना के खिया दिया। अरे बाबू बाजार गए ना, सारा दिन मजदूरी कैलन, मजदूरी करके जे वही घर के तरफ लौट के आवत हुवन, ए बाबू एक किलोमीटर के दूरी पे हादसा हो जाता है, चापा पड़ गई, ए दुनिया के छोड़ के चल बसलन। ए बाबू गांव घर को लोग मिल के उनकर दाह संस्कार कैलन, एक बिस्सा एक धूप जमीन नाबा,
कि कौना आधार पर वो दोनों बचवन का पालन पोषण हो। अरे बाबू माई बड़े बड़े सेठ मरवारीन के चौका बासन करे शुरू कर दिली। ए बाबू जब चौका बासन करे शुरू कर दिली अचानक एक रोज माई कभी तबीयत खराब भई। जब तबीयत खराब भई एक तब बुढ़ाई का शरीर और दूजे पति का सदमा सतावत बा। माई चरपाई पकड़ ली मुड़तारी सोहना बैठल है गोड़तारी शंभू बैठल है और माई आंख में आंसू लेके इहे बतावत है नहीं। एक लाइन विराह में गीत लगल गीत लगल कि यार डूबी मारब ये राजा अरे डूबी मारब ये राजा जय बाजो पूर्व के दिशावा वही पूर्व के सावा में बस बंगलिनिया हो जादुआ चलाई मतिया मारनी है ये राजा जादुआ चलाई मतिया मारनी है ये राजा जय बजो पूर्व के दसवा जो बीमार लेकिन मतारी चरपाई पर लेटल हिया और शंभू से कहलस कि ए बेटा अब हमार कोनो जियला को जोग ना बा। ए बेटा हमारे मर गईला के बाद कोनो दुख तकलीफ ना होखे। माई के सामने आज शंभू आंख में आंसू लेके एक ठे मार के बात कहलस का कहलस मास्टर ये कहलस कि गोदिया में पालन माई हर गोदिया में पालन माई दू दू गो लालावा बंधनवा हमारी तोड़ी हनया जमाई प्रेम का बंधनवा हमारी गोटिया में पा हमारे तू तू बोला हे बेटा शंभू तू आपन कलाई बढ़ावत बेटा। ए बाबू शंभू जब कलाई बढ़ौलस तो सोहना का हथवा माई शंभू की हथवा में धरा के कलस की ए बेटा हमारे मर गईला के बाद तू ही सोहना खाती माई बाला तू ही बाबू बाला का कहला ये कहला छोटा का पिराना मा के तू है सहारा बेटा आखिया का तारा बेटा आखिया का तारा बेटा
ना बुझाए कबहू उहो कइल मरनवा हमरी हो के ना बुझाए हो कइल मरनवा हमरी गोदिया में बाणा हमरे तू डुबो ललानावा हो बेटा इतने कह के ए बाबू माई भी ए दुनिया के छोड़ के चल बसली दोनों बचवा अनाथ हो गईलन गांव घर को लोग मिल के ए बाबू माई कभी दास संस्कार कर देलन काम क्रिया कर देलन गांव का मुखिया जी सोचे लगलन कि दोनों बचवा अनाथ हो गईलन यानी का कौने आधार पर जिंदगी बीती हो ए बाबू दू थे बल्टा खरीद के लेके अलन आ एक थे साइकिल दिहलन दू चार लोग गांव में दूध दुवेलन शेम्भू दूध बेचे चालू कर दिहलन ए बाबू जिये का एक थे प्रधान जी के माध्यम से आधार बन गए आ जब आधार बन गए ए बाबू उ 10 रुपया कमाए लगल तो माई वाली बतिया याद आवे लगल कि काहे ना कोनो विद्यालय में अपना भाई सोहन का एडमिशन करवा दे ए बाबू ले जाकर एडमिशन करा दिहलन छोटका भैयावा पढ़े लगल मेहनत करत करत ए बाबू दुई पक्की कोठरी बनाए लिहलन गांव घर को लोग सोचे लगलन कि अब ता शेम्भू का अगर शादी हो जात तो बहुत बढ़िया रहत ए बाबू बगल वाला गांव में जा करके सोहन का शादी गांव को लोग मिल के करा दिहलन ए बाबू घरे दुल्हन अइलिन सुहाग वाली सेज पे अपने सैया का इंतजार करत हैं कि हमार सैया आई ए बाबू जब शेम्भू सुहाग रात वाला कच्छ में प्रवेश कैलन अपने औरत को सुंदरताई देख के खुशी में आंख में आंसू लेके रोवे लगलन दुल्हन पूछे लगलन कि सैया दुनिया सुहाग रात बितावे आवेला तो खुश होला का वजह बा का कारण बा कि तू आज आंख में आंसू लेके रोवत हुआ बतावे लगलन कि माई मरे लगल तो सोहना का हथवा हमारे हथवा में धरा के कहलन ए बेटा हमरे मर गईला के बाद तू ही सुहाना खाती माई बाड़ा आ तू ही बाबू बाड़ा तब यही बदे न रोवत हुआ का कहल चाह तरा यही सोच के रोवत ही तो कहलन सावित्री कहलस की एक ठे काम सुना यह बात नबा ऐसे यहां तू आंख से आंसू बहावल बंद करा हम औरत होके हम वादा करतनी प्रतिज्ञा करतनी कि जबले कौनो सरकारी सर्विस तोहार छोट भाई शेम्भू ना पा जइहन सोहन ना पा जइहन तब तक हमार तोहार शारीरिक संबंध ना हो कहन कि अरे वाह सचमुच सावित्री का स्थान बा सावित्री नाम ना बा सावित्री का काम भी बा ए बाबू धीरे धीरे समय बीते लगल आ जब धीरे धीरे समय बीते लगल ए बाबू एक रोज आंगन में बैठ के तीनों आदमी भोजन करत हुमन तब तक ए बाबू सोहन हाई स्कूल पास कैलस इंटरमीडिएट में पास कैलस भैया से कहलस कि भैया हमार मानसिकता है कि हम फौज में भर्ती हो जाए कहला उत्तम विचार बा खुली भर्ती होत बा ए बाबू अपना बस्ता उठाया गया जा करके ए बाबू फेचकल निकाल लेता है रिटर्न निकाल लेता है ए बाबू मेडिकल में छट जाता है घर की ओर निराश होकर के जब अपना बस्ता लेकर के चलता है तब तक एक दलाल ने आवाज दिया तुम
अगर मुझे 1,00,000 रुपया दिला दोगे ना तो मैं तुझे भर्ती करा दूंगा। घरे इलन भैया भाभी पूछलन कि का भाई, आपन बात बतावे लगलन कि भैया हम मेडिकल में छट गए, अगर 1,00,000 रुपया रहत तो हम हूँ भर्ती हो जाती। कहलन कि भैया गरीबी का चीज होले, आज 1,00,000 रुपया हमारे पल्ले ना बा, कोनो बंदोबस्त ना बा। बाजार गईलन, बहुत बड़ा एक डॉक्टर के दूध देते रहन। डॉक्टर साहब कहले कि शंभू आवत चाय पी लिहल जा। ए बाबू दोनों आदमी बैठ के वापस में चाय पिए लगलन। जब भाई शंभू हथवा में ए बाबू चैया लिहलन, आंख से आंसू झरझर झरझर आवे लगल। डॉक्टर साहब कहलन कि शंभू काहे रोवत हुआ, का कही डॉक्टर साहब, गरीब का भाई 1,00,000 रुपया रही तो हमारे भर्ती छोट भाई हो जाए, हमनों को कल्याण हो जाए। ए बाबू आंख में आंसू लेके डॉक्टर साहब कहलन कि हम 1,00,000 रुपया तो ना दे पाई, लेकिन ओकर बंदोबस्त करा दे। यही हॉस्पिटलवा में एक थे बहुत बड़ा मरीज एडमिट बा, ओकर बाई किडनी डैमेज बा, अगर तू आपन किडनी देवे के तैयार होखा तो 1,00,000 रुपया ना हम 1,25,00,000 रुपया देवा दे। ए बाबू एक घरे गई ना अपने औरत से पूछलन, एक भाई भाई खातिर के ए बाबू अपनी बाई किडनी निकाल करके दे दीजिए। जब दे दी हलन ए बाबू, आज 2-4 दिन बीट पर रहलन, फिर दूध बेचे चालू कर दिहलन, 1,00,000 रुपया लिया के अपने भाई के दिहलन। अब भाई भर्ती हो गया, दुआरे तिलकहरून का ताता लगल है। आ जब ताता लगल है ना तो कहलन कि सुना, हितनाथ मित्र की कहलन पर अपना भाई छोटका का ब्याह ना करब। अगर गांव का एक थी अगर इंसान गरीब आदमी कह दे तो बेगर दहेज के ब्याह कर ले। अरे बाबू खुशी अपार होके लगल, आ जब खुशी अपार भयल तो बिरहा में गीत लगल। कौन गीत? यह कहल गई दगा दे के, अरे भागल रे निरमोही दगा दे। ए मेरे मित्र इता गीत रहल, लेकिन ऐसे कितना बढ़िया बात कवि जी लिखलन भाव में। कहा नाम बा कि यार भाव जब मैं भारती हो गई जवाना, अरे घरवा में कुसी जब दोनों भैयन का दुखावा, दोनों भैयन का दुखावा, अरे वो राइली हो दोनों भैयन का दुखावा। बाबूजी खुशी अपार हो गई। तब धीरे धीरे समय बीते लगल,
एक छे गांव के अदना आदमी की कहलन पर शादी सोहन कर तय हो गई। ए बाबू, बगल वाला गांव में शीला नाम की लड़की से शादी हो गई, घरे दुल्हन अली, पहले बार शारीरिक संबंध भयल। ए बाबू, बहुत सुंदर बेटे को जन्म देती है, लेकिन वो बेटा मालिक को प्यारा हो गया। ए बाबू, सरहद पर गईलन, फिर दोबारा लवट के अलन, फिर शारीरिक दोबारा फार्म भरलन, वो भी रजेल फेल हो गया, खराब हो गई। जब तीसरा बेर अलन, तब तक ससुरारी से खबर आई कि सासू माता का तबीयत खराब बा, आज मरद मेहरारू दोनों आदमी ए बाबू मिले खाती गईलन, बुढ़िया मतारी चरपाई पर लेटल बिया, अपने दामाद के अपने लड़की के देखतिया, चाय पानी होत बा, खुशी अपार बा, माई का अंतिम इच्छा अब चलत बा, बतावे लगलन कि सिलवा आइल बिया, बड़ा खुशी का बात बा, आ पहुनो आइल बड़ा हो, मंदिरवा पर का सोखा बाबा देखेलन, कम से कम चल के दिखा देती जा। ए बाबू, आज दोनों मरद मेहरारू गईलन, सोखा बाबा लवंग दिहलन, आंख उख निकाले लगलन, फूके लगलन, कहलन कि अरे दादा, रे दादा, तुहार काल लैका हुई, जब भी तुहार गर्भवा रुक जाला, तुहरा घरवा जवन जेठनिया बिया उहे ताक देले, तो तुहार गर्भ हवे गिर जाला। जोना भाई भाई में इतना दुलार, जोन देवर भौजाई में इतना प्यार भाव बा, लेकिन ए बाबू, आज सोखा के माध्यम से उप परिवार में दुराव होखे लगल। दोनों आदमी मरद मेहरारू जब भेंट करके ए बाबू घरे लौट के अलन, सावित्री पूछलन कि सोहन बबुआ, सासू माता का तबियत कैसन बा, मिले बद गई लाला। कहे लगल कि सासू माता मर जाओ, ओसे तोसे कौनो मतलब। तब सावित्री कहली शंभू कि ए सैया, के गन्ने बोलत न अब, अरे बाप रे बाबू, छाल मार के सैया के कलाई को जा करके पकड़ ली हलस। सावित्री कहली सैया, अबले त राहत रहल हा, लेकिन ए सैया अब बर्दाश्त नहीं के हो, गलवा उलवा सुहरावे लगलिन। ए बाबू, धीरे धीरे समय बीतल, आ जब धीरे धीरे समय बीतल, तो कवि जी के विदेशिया का भाव लिखे के पड़ल। हे बतावल गई कि धन्य हो विधाता तोहारे, अरे गजब राजा नावा, अरे खुशिया समाईली बाटे दुनो की आचारिया, दोनों भाई मेहनत कैलन, मालिक का कहर और मालिक का कृपा, दया हो गई। आ जब दया हो गई तो भैल का बतावे लगल का, यह कहला कि पावा भारी भैले दूनो, ये बाबू देवरनियो जेठनियो के, अरे धीरे धीरे आई हो गई लन,
अरे नौवा रे मैना फौजी नौजवान वहीं से टेलीफोन करता है, कहता है कि भैया अब की बार कोई भूल ना हो पाए किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके दोनों को भर्ती करा दीजिएगा। दोनों की भर्ती करा दी हलन तो भैल का तन किसा बढ़ जा। यह बतावल गए तो भर्ती भैले दोनों जाके के सुंदरा लाला नावा ए बाबू दूध बेच करके जे वही सिंभो हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा है, पलटा साइकिल खड़ा करता है, नर्स खिड़की से ताक करके आ करके गेट पे खड़ी हुई है, कहला क्या देख रहे हो 500 रुपया निकालो। कहना कि कैसा कर्ज दी हो अतना आज पत्थरे पर डूब जामल बा, तुहरे मेहरारू के पेट से मालिक बहुत सुंदर बेटा का जन्म दे ले बाना। इतनी बात जब सुना ए बाबू खुशी में सिंभू पागल होके लगलन, कहलन कि आज काहे ना कुछ कर दें, तो कैलन का उहे गीत लगल यह बतावल गई कि खुशिया में झूमे आजा शंभू जावा नावा हो, शंभू जावा नावा हो, अरे भाई ले अपना सकाराजी सोचे लगलन खुशी में दुकान से डब्बा का मिठाई खरीद के लेके एलन, सोचलन कि केहू के ना बाटब, पहले ले चल के मिठाई काहे न अपने औरत सावित्री के खियाई। लेकर के ए बाबू जे वहीं पहुंचलन डब्बे का मिठाई डब्बा खोल के अपने हाथ से सावित्री के खियावल चाहत हुआ, तब तक ए बाबू अपने पति की कलाई को पकड़ लेती है कि सैया सैया तू का पागल हो जाला, अरे यही हॉस्पिटलवा में हमार देवरनियो भर्ती हिया, ओहू को खुशी आवे वाला है। सोच रहा है कर्लन का यह बतावल गए कि बटते मिठाई आजा यही हॉस्पिटलवा में, यही हॉस्पिटलवा में, अरे सपना सजाओ पड़ी याराजी। तब तक प्रसोप पीड़ा देवरान शिला कभी उठल, नर्स लेकर के जाती है ए बाबू जब रूम के अंदर लेकर जाती है मीठे का डब्बा लेकर के टुकुर टुकुर वही दुवारी पर खड़ा सिंभुवन कि अब खुशी आवे वाला है। तब तक नर्स साहिबा खिड़की जब खुल ली दरवाजा खोलती है तो वही ए बाबू
दौड़ल दौड़ल गैलन कहलन कि साहब साहब कैसन खुशी है साहब, तब बतावे लगलन का बतौलन कहली हा नरसायाई शंभू जावा नावा से शंभू जावा नावा से और पैदा भैले मुआला दूला राजी आंख में आंसू लेके साहब साहब कैसन खुशी बा खुशी बता दी। नर्स आके कहलस की देवरान की तुहरे पीठ से तो बहुत सुंदर बेटा जन्म भया लेकिन बेटा मरा हुआ मिठाई का डब्बा ए बाबू छूट जाता है धरती पे गिर जाता है अपना माथा टेकने लगा मालिक तू यही दिन दशा देखे खातिर ना हमके जिंदा छोड़ ले बाड़ा मालिक ई कैसन बात सुने के मिलल ए बाबू रोते बिलखते अपने पत्नी की पास पहुंचा आ जब पहुंचलन तो उस समय जाके टोटल बात बतौलन जब सावित्री ए बात के सुनी तो कहे लगल कैसे कहली मास्टर साहब गीत लगल उहे कहली कि खुशी खुशी ले जा हमारे अरे गोदी का लाला नवा सुनाए सजाना ये कथे मानी जा कहानावा सुनाए साजाना जवने भाई कातिन सैया अरे सब कुछ लूटवाला रतिया सोहागावा में किरिया दारावाला तो खुशी खुशी ले जा मरे अरे गोदी का लाला नवा सुनाए साजाना आये कठे मानी जा कहा नवा सुनाए साजना सैया एक ठीक काम करता जोने भाई खाती सब कुछ लुटा दिया है जोन बेटा हमारे पेट पर जियत बा खेलत बा एके ले जाके हमारी बहन शीला के बेट पर सुला दा और जोन ओकर बेटा मरल बा ओके लिया के हमारे पेट पर सुला दा ऐसे उ बेहोशी हालत में बे अगर जान जाई कि हमार बेटा पैदा भइल तो मर गई आ हमारे जेठनिया का बेटा जियत हो तो वो अपने आप के इस यहाँ कबू रोक ना पाई बा कौन मतारी हुई हो ये ढंग का काम करी लेकिन बा भाई भाई का प्यार ये ढंग का भावना बा आज यह भयल तब तक कवि जी के टेरी का भाव लिखे के पड़ल यह बतावल गई कि अरे मोरे राम मनोता के परिभाषा रो पड़ी अरे मोरे राम मनोता के परिभाषा रो पड़ी बलिदान तपस्या दिया खड़ा रहा जिज्ञासा
मनौता की परिभाषा रो पड़ी। ए बाबू धीरे धीरे समय बीते लगल आज फौजी नौजवान ए बाबू सरहद पर से छुट्टी लेकर आया आ ई घरे गइलन। ए अमर भैया जेकर बेटा मरल हो ऊ खुशी में मिठाई बांटत बा, जेकर बेटा जियत बा ऊ आज गम मनावत बा। फौजी नौजवान गांव में जाके मिठाई बांटे लगल। ए बाबू तब तक इतनी बतिया जानकारी धीरे धीरे गांव घर में चर्चा होखे लगल। ए बाबू ई आपन खाना ना बनावत है, सावित्री घरवा में बैठल है, अगनवा में लैकवा खेलत था, माई का ममता मानल ला। ए बाबू आ जाके कुरवा में उठा ले हलस। आ जब उठा ले हलस ना ए बाबू तब तक शिला काली दुर्गा का रूप बना करके ए बाबू धा पड़ल। आ जब धा पड़ल तो उस समय बिरहा का गीत लगल। कौन गीत था? वहे गीत बा कि पतराई राम जी के, अरे पतराई राम जी के, अरे पातर कार ही आए रामा, लेकिन भैल का यह बतावल गई। अरे जेवही उठवली अपने जेवही उठवली अपने गोदिया में लालनवाए नामा, जेवही उठव उठवली अपने गोदिया में लालनवाए रामा। तब तक फौजी नौजवान मिठाई बाट के आयल कलश की करे कैसन तो तमतमाइम चेहरा बारे का कहलन यह कला पहिला के मारा ला दूसरा को के मारा ला, मारा लसती सार को के मारा ला, उठवली अपने जे वही उठवली अपने गोदिया चलल नवाए मामा।
अरे बाबू तब तक सोहन मिठाई बांट के घरे एलन कहलन कैसन तुरतम तबाइम चेहला बरे का भगल कहलन कि अबे तू पूछत हुआ अरे हम धाग के ना जाए तो ई ओहू के मार देले हो ए बाबू फौजी नौजवान से बर्दाश्त ना भइल हाथ में तमतमाते हुए लाठी उठौलन आ लाठी उठौलन तो भैल का गीत लगल लेकिन हमार विदाह में ई धुन से बढ़िया फर्ज कितना बढ़िया बात कवि जी लिखलन बतौलन गेले का यह बतौलन अरे दौड़ल बा सोहन लेके हथवा में लाठिया हो दौड़ल बा सोहन लेके हथवा में लाठिया हो सिरवा पर दीहल चालाई हो तनिको तारा दियो ना भैल देवरानियों के तनिको तारा दियो ना भैल देवरानियों के मारे लतावा तू माती हो बाप रे बाप मरत सावित्री के डंडा से मारे लगलन इहू झोटा खींच खींच के ए बाबू सीला भी आगन में मारते मारते बेहोश कर देती है ए बाबू जे वही शाम का टाइम भइल शंभो दूध बेच के जे वही गांव में प्रवेश कैलन गांव घर के लोग कहलन अरे शंभू तू दूध बेचे गई ना आज तुहरे मेहरारू की बहुत बीरहमी के साथ तुहार छोट भाई आ तुहार भवह मरले हो कहलन एक कतई हो नहीं सकता कोई न कोई जरूर मेरी औरत मेरे भाई के साथ बेतमीज आई होगी तब मेरा भाई हाथ छोड़ा होगा ए बाबू जे वही घरे एलन घर में प्रवेश कैलन आज जब सावित्री के अपने आंख से देखलन ए बाबू ओकर होश आ गेल बा आपन हाथ पाव मुंह पूछत बिया और रोवत बिया ए बाबू तब तक शंभू एक ठे काम कैलन आल्हा का भाव लगल अरे हमारे पिरनवा से कैला सत्ता कारा अखिया में आंसू भारी बोलल बे गुजरिया सुनाई जा भैया लोग लगवा तो सुनाई जा
हाथ में लाठी लेके धौलन ए अमर भैया, बतावे लगल कि अरे सैया हरे का हाथ में लेके लाठी चमकावत हुआ, अरे गणास ले आके बूटी बूटी काट दा। कहलन कि तब बता दे सही सही कि का भइल ह, कैसन कारण ह। अरे सैया माई का ममता मानल है ना, अगनवा में लैकवा खेलत रहला, बस भाग के जाके अकवरिया में उठा के चुपे चाटे लग रही हाँ। इससे यहाँ यही गलती के लिए हाँ, यही खाती बड़ा बेरहमी के साथ देवर बबुआ और उनकर मेहरारू हमारा के मरला हन जा, आँख में आंसू लेके यही कहलन कि तब बस कल सुबह के बेला में गांव के लोगों को मैं बुलाऊंगा, हमार और सोहन का दोनों आदमी का बंटवारा हो जाए। कहलन सावित्री कलश की अरे सैया, अरे सैया तू का कहत रह, अरे तुहार तब बटा जाई हो, लेकिन उ दिन याद कला जौना दिने माई स्वर्गलोक में बारी ओ माई के आत्मा का कही सैया ऐसन कब बुना हो, आ कैसे तू विश्वास कैला बतावे लागल आपन बात कितना बढ़िया बतौले है अमर भैया आल्हा। यह कहलन कि याद कर सैया जहिया ले आइला गवानावा, जब क्रिया धरवल ते ही पा जो नम्मा तरिया का बजे का कर जावा, कई कई गोदिया का यपन दुला भाई खाती पे चला के चली अच्छा नहीं भाई खाती पे चला के चली आई है रहे तो खाते ये से नूरा हम्मा सैया जोनी भाई खातिन सुहाग वाली रात में तू क्रिया खयौला हम त्याग कर दिले, जोनी भाई खातिन तू किडनी बेचला सिंदूर हमार रहला, लेकिन हम तने भी एहसास ना कैले जोना बेटा के 9 महीना गर्भ में पाल के पकला नियर से के हमार खुशी, लेकिन अपने देवरान की खुशी खाती दे देने कौन सीमा है गई इस धरती पर। कहलन की इतबार सही बा, तब सैया हमने को दोनों आदमी मिल के आ घर द्वार त्याग के जंगल में चल के हमनी का जंगल का पत्ता चबा की जिंदगी बिता ली हल जाई, लेकिन कब्बो अपना देवर देवरान की आंख में आंसू हम लोग नहीं देखेंगे। सारी बात को ए बाबू दीवाल तर कान लगा करके छोटा भाई सुन रहा है, सुनते सुनते में बाबू सोहन सो जाता है। तब दोनों मर्द मेहरारू दरवाजा खोल करके ए बाबू जंगल की ओर निकल पड़े। जब धीरे धीरे 2 घंटे के बाद कोनो चीज का चाल चुलना मिलत बा, ए भैया सोहन हाथ में टार्च लिया लाठी लिया, देखा कि भैया भाभी का रूम खाली है दरवाजा खुला है, हाथ में टार्च लिया जंगल की ओर, भैया 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 चिल्लाते हुए टारत लेते हुए दौड़ते जा रहा है। तब तक ए बाबू
निगाह कान तक आवाज सावित्री की गई सैया सैया लागता कि देवर बबुआ धावल धूपर आवतनन उनके मन में शकबा कि रुपया पैसा गहना गुड़िया हमनी के चुरा के लेके जाते हैं। करीब पहुंचलन कहलन कि भैया भाभी घरे चल लोग हम सब कुछ जान गेल बानी। भाभी बतावे लगलन कि ए देवर बबुआ तुहरा खुशी के सिवा हमन के कबो जिंदगी में आंख में आंसू ना देखल जाए। हमनी का देखा कुछ ले ले नहीं जा हाथ उठा के कहत नहीं जा अगर तुहके पैसा रुपया गहना का अगर शक होई हमनी के जहां मन करे तहां चेक कर ला हमनी के दुनिया में तुहसे चोरी ना कर जाए। नहीं भैया नहीं भाभी आप लोग दोनों आदमी घर की ओर चलिए। भैया कहलन कि हमनी के कतई ना जाए जाए। ए बाबू फौजी नौजवान गमछा लिया था पेड़ के ऊपर फेंक करके जी वही फांसी लगाना चाहता है। तब तक ए बाबू दौड़ करके सावित्री अकवारी में धले कि अरे देवर बबुआ ई तू का कर तरा। ए बाबू लौटा के लेके घरे अलन तब तक सुबह कबेला बा 5 बज गेल बा सुबह हो गेल बा। जब देखल सिला कि ई त भैया भाभी के मना के लेके आवतन तू आपन चट दे डोलची सरियोलस अपने लड़का के कोरा उठोलस आ कहलस कि लेके आ गई ला तो अपना भैया भाभी के लेके चाटा अब हम जातनी। ए भैया इतनी बात जब सुनलन आ जब इतनी बात सुनलन जोने खींच के झटहरा मरलन पड़ाक दे गिरल ओकर सर फट गई। सावित्री आंख में आंसू लेके एक ठे बात करी बिरहा का हमारे भाव खड़ी का लगल हमारा खून के मतिया चुप का बबुआ अरे रूसल चालम पर बहिनिया मनाला बबुआ बबुआ ई तुखा क दिहला एकर कपार मार के फाड़ दिहला ई ना चाहत रहल। आज सोहन कहने लगे सुन बेतमीज तुझको शर्म नहीं आती है जिस नौकरी पे तूने घमंड की है वो वर्दी तेरे बाप का नहीं मेरा भाई ने अपनी किडनी बेच करके मुझे नौकरी दिलाने का काम किया। जिस तूने अपने बेटे पे घमंड कर रही है ना हॉस्पिटल में जा करके किसी नर्स से पूछ लो वो तेरा बेटा नहीं मेरे भाभी का बेटा है। ए बाबू आंख में आंसू लेके आ एक ठे बात कह ले कैसे यह बतावल गए कि तब जाके सिला जनली सागरी कहानिया
भैया चल के फिर से आपन गुलशन सजावा। तो ए बाबू हमार बिरहा गौले का मतलब ये बा कि अगर सिंभू जैसा अगर भाई मिल जाए और सावित्री जैसा भाभी मिल जाए, इस समाज के लोग किसी का परिवार न बटता। तो अलग अलग हर एक आदमी का सोच बा, विचार बा, भाव बा, सेंस बा। हमारे बिरहा गौलन के यह मतलब रहल कि भाई हो तो ऐसा। तो हमें से बिरहा का गुरु घराना के पर्ची लगल, वह कहल गई कि जय जखार गुरजद्दू की लहरे फुलावारे। यादों में श्री नारायण का गुरु का देखा यादों मन तक परिभाषा।